हेलो एवरीवन, आज हम सब इस वीडियो में राउंडिंग ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे राउंडिंग ऑफ नंबर्स क्या होता है। तो राउंडिंग ऑफ नंबर्स, जैसे जैसे हम मैथ में आगे बढ़ते जाते हैं, हमें राउंडिंग ऑफ नंबर जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है और आप यूज भी करते हैं। जैसे आप सोच रहे होंगे यूज कहाँ करते हैं, तो जैसे देखिए, अगर आपसे टाइम पूछ लिया जाए कि टाइम क्या हो रहा है, और मान लीजिए उस समय टाइम जो है वो छः बजकर पचपन मिनट हो रहा है, मान लीजिए उस समय 6:55 हो रहा है, तो अगर आपसे टाइम पूछा जाएगा तो आप 6:55 नहीं बताएंगे, आप इस तरह से बताएंगे 7 बजने वाले हैं। तो ये हुआ राउंडिंग ऑफ नंबर। उसी तरह से अगर किसी सामान की बात करें, मान लीजिए हम कोई सामान लेने जाते हैं और वो सामान हमको 295 रुपये में मिलता है, और आपसे उसका रेट पूछा जाए तो आप उसका रेट लगभग 300 बताएंगे। तो इस तरह से ये जो 300 यानी 300 है, ये 295 का राउंडिंग ऑफ नंबर्स होगा। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि राउंडिंग ऑफ नंबर क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं कैसे इसको आगे हम यूज करते हैं। तो देखिए, जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि हमसे पूछ रहता है नियरेस्ट 10। जैसे हम बुक की बात करें तो बुक में इस तरह से पूछा जाता है नियरेस्ट 10। जब नियरेस्ट 10 पूछा जाएगा तो दिए गए नंबर का हमको 10 प्लेस ध्यान देना होगा। और इसको जानने से पहले आप कुछ चीज़ें जानना और भी ज़रूरी हो जाती हैं। आपको ये जानना है कि अगर नंबर 0, 1, 2, 3, 4 इन पांचों में से कोई भी नंबर अगर है तो वो हमेशा 0 हो जाएगा, वो आगे चल करके 0 बन जाएगा। और अगर 5, 6, 7, 8, 9 ये पांच नंबर अगर आते हैं तो 0 तो बनेगा, लेकिन साथ में +1 भी कर देगा। अब कैसे होता है इसको जानिए, कैसे हम इसको यूज करते हैं, देखिए कैसे होता है। जैसे अभी आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये 0 क्या होगा और +1 क्या होगा, फिर 0 क्या होगा, थोड़ा समझना मुश्किल है। तो अब हम थोड़ा एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, एग्जांपल में कैसे हम करेंगे इसको। देखिए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 39 का नियरेस्ट 10 क्या होगा, अब हमको बताना है 39 का नियरेस्ट 10 क्या होगा। तो अगर हम प्लेस की बात करें तो 10th प्लेस पर 3 है। जैसे 10th प्लेस के बारे में अगर नियरेस्ट 10 पूछेगा तो हमको 10th प्लेस को पहले देखना होगा, तो हम देखते हैं 10th प्लेस पर 3 है। अब हम क्या करेंगे, 10th प्लेस के पहले जो प्लेस है यानी कि वंस प्लेस पर देखेंगे कौन सा नंबर है। अगर यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 इसमें से कोई भी नंबर आता है तो वो 0 बन जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर इसमें से कोई भी नंबर नहीं है। जो पहला ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, इस ग्रुप से कोई भी नंबर नहीं है, और सेकंड ग्रुप में जो नंबर दिया गया वो है 5, 6, 7, 8, 9। तो हम देखते हैं सेकंड वाले ग्रुप का नंबर है ये, क्योंकि 9 इस सेकंड वाले ग्रुप में है, और सेकंड वाले ग्रुप में कहा गया है कि 0 बनेगा, साथ में +1 भी करेगा। मतलब ये जो नंबर है ये खुद तो 0 बन जाएगा, लेकिन जो इसके आगे प्लेस पे है यानी कि 10th प्लेस पर जैसे 3 है तो इसमें +1 ऐड हो जाएगा, तो इस तरह से ये हो जाएगा 4, इस तरह से ये हो जाएगा 40। उसी तरह से एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए दिया गया है 767। अब हमको भी इसका भी नियरेस्ट 10 ही बताना है, तो अब हम ज़्यादा कुछ नहीं देखें, केवल 10th प्लेस को देखते हैं पहले। 10th प्लेस पर 6 है, अब उसके पहले वाले प्लेस को यानी कि जो राइट साइड में जो प्लेस है यानी कि वंस प्लेस, उसको हम देखेंगे तो उस प्लेस पर यहाँ पर 7 है। अब 7 को हम सोचें किस ग्रुप से है, 0 वाले ग्रुप से या +1 वाले ग्रुप में है, तो हम देखते हैं 7 जो है वो +1 वाले ग्रुप में है। इसलिए अब क्या करेंगे, जो 7 है उसको हम बना देंगे 0, और जो जिस प्लेस का पूछा है, जैसे 10th प्लेस का पूछा है, 10th प्लेस पर अब हम +1 ऐड कर देंगे, तो 6 में +1 ऐड हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा 7। और जो बाकी इधर के नंबर रहेंगे उससे कोई मतलब नहीं, उसको केवल आपको उतार देना है इस तरह से। तो इस तरह से हो जाएगा कि 767 का नियरेस्ट 10 जो होगा वो 770 होगा। चलिए इसी तरह से एक और देख लेते हैं, 323। इसका हम देख लेते हैं कैसे होगा नियरेस्ट 10 की बात करना है, तो यहाँ 10th प्लेस पर देखिए 2 है, नियरेस्ट 10 पर यानी 10th प्लेस पर 2 है। अब हम वंस प्लेस को देखें कि किस ग्रुप में जा रहा है, तो ये 0 वाले ग्रुप में जा रहा है, क्योंकि 3 जो है वो 0 वाले ग्रुप में है। इसका मतलब ये 3 जो है वो 0 बन जाएगा, और ये जो नंबर है 10th प्लेस पर, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अगर इस वाले ग्रुप में होता तो इसमें परिवर्तन होता, चेंजिंग आ जाती, क्योंकि इसमें +1 ऐड हो जाता, लेकिन ये 0 वाले ग्रुप में जा रहा है इसीलिए इसमें कुछ नहीं ऐड करना, केवल आपको इस तरह से
लिख देना है। तीसरा से हम बता सकते हैं कि 323 का नियरेस्ट टेन जो होगा वो 320 होगा। उसी तरह से अगर और बड़ा हम देखें, इस तरह से कभी कभी फंसाने के लिए थोड़ा और बड़ा नंबर दे दिया जाता है, तो इसको हम कैसे करें। इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना, केवल आपको यही ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है। तो नियरेस्ट टेन पूछ रहा है, तो नियरेस्ट टेन, टेंथ प्लेस पर 6 है। अब उसके आगे वाले प्लेस यानी कि वंस प्लेस पर हम देख लेंगे कौन सा नंबर है, तो वंस प्लेस पर 7 है, और 7 जो है वो सेकंड ग्रुप में जाता है जो कि प्लस 1 ऐड करता है, तो ये तो खुद 0 बन जाएगा, लेकिन उसके आगे वाले नंबर में 1 जुड़ जाएगा। इस तरह से 6 की जगह पर 7 हो जाएगा, और बाकी जो नंबर है उसको केवल हमको उतार देना है। इस तरह से इसका नियरेस्ट जो हो जाएगा वो 33,970 हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब नियरेस्ट आपको बताना होगा 100। अब 100 के लिए देख लेते हैं नियरेस्ट कैसे बनाते हैं। 100 क्वेश्चन है 555। अब आपको नियरेस्ट 100 बताना है, तो अब यहाँ पर 100 प्लेस की बात हो रही है, तो अब हम 100 प्लेस को देखेंगे, तो 100 प्लेस पर 5 है, और उसके आगे वाले प्लेस को देखेंगे, तो उसके आगे कौन सा प्लेस होता है, 10th होता है। अब यहाँ वंस प्लेस से कोई मतलब नहीं रह गया, हमको केवल इजेक्ट करेक्ट जो प्लेस है उसको देखेंगे और उसके आगे वाले प्लेस को देखेंगे, बाकी उसके आगे पीछे क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, केवल आप इतने को हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पर 5 है, अब 5 को देखेंगे कि ये जो 5 है यानी 10th प्लेस पर वो किस ग्रुप में जा रहा है, जो इसके आगे रहेगा उसी का हम ग्रुप डिसाइड करेंगे। तो हम देखते हैं जो 5 है वो सेकंड ग्रुप में जा रहा है जो कि प्लस 1 ऐड करता है। तो अब क्या करेंगे, ये जो बाकी चीज़ें बच रही हैं, जो ये सब बच रहा है, इसको केवल हम उतार देंगे इस तरह से, और इसकी जगह पर हो जाएगा 0। लेकिन 0 तो होगा लेकिन प्लस 1 भी होगा, तो प्लस 1 जो होगा वो इसके आगे वाले में जुड़ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा 605। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा और बड़ा इससे, इस तरह से दे दिया और इसका 100 पूछ रहा है, तो अब हम बाकी चीज़ें नहीं देखें, केवल 100 प्लेस देखेंगे, तो 100 प्लेस पर 3 है। अब उसके आगे वाले प्लेस को हम ध्यान देते हैं, किस प्लेस पे जा रहा है, तो ये 9 है जो कि सेकंड ग्रुप में जा रहा है 10th प्लेस, और बाकी जो ये 2 है इससे कोई मतलब नहीं, ये हमको 0 बनाना है, और बाकी जो इसके पीछे है इसको उतार देना है, कुछ नहीं करना। और इस तरह से ये 32 तो पहले से ही रहेगा, और इसके आगे की बात करें तो ये जो 2 है, चलिए इसको छोड़ देते हैं अभी, हम इधर से ही लिखते हैं, तो ये जो 2 है इससे कोई मतलब नहीं, तो हम इसको पहले 0 बना देंगे। अब उसके बाद 9 को देखते हैं किस ग्रुप में जा रहा है, तो ये सेकंड ग्रुप में जा रहा है जो कि प्लस 1 बनाता है, तो ये हो जाता है 0। लेकिन इसके आगे वाले नंबर में 1 जुड़ जाएगा क्योंकि ये दूसरे वाले ग्रुप में जा रहा था, तो 3 की जगह पर हो जाएगा 4। बाकी जो नंबर है उसको केवल आपको उतार लेना है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं ये जो नंबर है इसका राउंड ऑफ जो होगा वो 32,400 होगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए 1000 की बात करें हम, नियरेस्ट 1000, ठीक है, नियरेस्ट 1000, तो अब हमको 1000 प्लेस को पहले देखना होगा। नंबर दे दिया गया इस तरह से, कोई भी नंबर दे दिया जाए, और अब हमको ध्यान देना है 1000 प्लेस को। 1000 प्लेस पर देखते हैं क्या है, तो 1000 प्लेस पर 3 है। अब आपको इसके आगे जो ये नंबर बच रहे हैं और ये पीछे जो ये नंबर है, इससे कोई मतलब नहीं आपको, केवल आपको मतलब रखना है इन नंबरों से, इतने से मतलब रहेगा। तो अब हम देखते हैं जो 3 है और इसके आगे 9 है, अब 9 किस ग्रुप में जाता है, तो हम जानते हैं ये प्लस 1 वाले ग्रुप में जाता है, 0 तो बनेगा लेकिन साथ में प्लस 1 भी करेगा, और जो इसके आगे राइट हैंड पर उसको हम 0-0 बना देंगे। इसमें कुछ नहीं करना, बस केवल 0 बना दें, कुछ ध्यान नहीं देना कौन सा नंबर है, क्या है, कैसे, इससे कोई मतलब नहीं है। और जो 9 है ये जाता है सेकेंड ग्रुप में, तो ये बनेगा 0, लेकिन सेकेंड ग्रुप में जाएगा तो, लेकिन साथ में इसमें 1 ऐड भी कर देगा, तो 3 की जगह पर हो जाएगा 4। और जो इसके पीछे नंबर है उसको कुछ नहीं करना, उसको केवल आपको लिख देना है। इस तरह से इसका राउंडिंग ऑफ जो होगा वो 54,000 होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस तरह से, अब इसका हम 1000 प्लेस पर देखेंगे, 1000 प्लेस पर 2 है, चलिए थोड़ा उस तरह से कर देते हैं, ये 2 है मान लीजिए, क्योंकि उस वाले ग्रुप में भी जाना ज़रूरी है, तो ये 2 है जो 1000 प्लेस पर है। अब उसके आगे वाला नंबर देख लेते हैं, क्योंकि इस ये जो इधर वाला नंबर 24 है इससे भी कोई मतलब नहीं, और जो इसके पीछे इससे भी कोई मतलब नहीं, हमको इससे मतलब रखना है। तो ये जो 2 है ये फर्स्ट ग्रुप में जाता है जो कि सिर्फ 0 बनता है, इसमें कुछ और चेंज नहीं होती, प्लस 1 नहीं होता, ये सिर्फ 0 बनता है। तो अब जो बाकी नंबर पीछे थे उनके लिए हम बनाएंगे 0-0, और इस नंबर का भी बनेगा 0, लेकिन ये आगे वाले नंबर में कोई भी चेंज नहीं कर सकता।
तो इसलिए ये जो नंबर है इसको हम इस तरह से उतार देंगे। अब बात करते हैं नियरेस्ट 10,000 की, नियरेस्ट 10,000। तो नियरेस्ट 10,000 में भी ऐसे होगा, नंबर हम पहले नोट कर लेते हैं, इतना बड़ा नंबर दे दिया गया। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, केवल 10,000 वाले नंबर को देखना है। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000 पर 9 है। अब इसके आगे वाले नंबर यानी कि 1000 पर हम देखेंगे किस ग्रुप में जा रहा है ये 1000 वाली ग्रुप का जो नंबर है ये किस ग्रुप में जा रहा है। तो हम जानते हैं ये फर्स्ट ग्रुप में जा रहा है जो केवल 0 बनाता है और जिसका पूछा जा रहा है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करता है। तो बाकी जो नंबर बच रहे हैं उनको हम कुछ नहीं करेंगे, केवल उनके लिए हम 0 लिख देंगे। 3 नंबर है, तीनों नंबरों के लिए 0 लगा देंगे। और जो ये 1 था ये खुद तो 0 बन जाएगा लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर पाएगा, इस तरह से ये 9 भी रह जाएगा। और बाकी जो पीछे के नंबर हैं इनको केवल आपको उतार देना है। इस तरह से इसका नियरेस्ट 10,000 हो जाएगा। इसी तरह से अगर लाख का पूछेगा तो लाख का भी हम करते जाएंगे, करोड़ का पूछेगा करोड़ का भी करेंगे। तो इस तरह से नियरेस्ट बताया जाता है जिसे हम राउंडिंग ऑफ नंबर्स कहते हैं। तो आप लोगों को तो अब समझ में आ ही गया होगा, तो आप लोग अच्छे से देखिए।